क्वेश्चन नंबर टू पे आप आ जाइए। अब ये क्वेश्चन अगर आपने किया तो अब आगे जाके यही चीज आपके पास आएगी, इक्वेशन बनाना आएगा आपके पास, स्लोप निकालना आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना आएगा, तो वो चीज़ आप इंशाल्लाह ये देखिए। एक क्वेश्चन ये गिवन है कि ए 13, बी 41 एंड सी 64, ये गिवन है। यानी यहाँ पे अगर आप मैंशन करना चाहें तो मैंशन कर सकती है, और शोन इन द डायग्राम वर्कआउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी। अब हमें इस लाइन बी सी की इक्वेशन चाहिए भाई, इक्वेशन ठीक है। अब ये इक्वेशन जब हमें चाहिए होगी तो इसके लिए हमें क्या चीज चाहिए, स्लोप चाहिए। पहले दो चीजें चाहिए, एक हमारे हमें चाहिए स्लोप, सॉरी एक हमें चाहिए स्लोप एम चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें मेंशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है तो मैं दोबारा करके देता हूं। अच्छा, पॉइंट ए मैं इधर लिख लेता हूं, मेरे पास पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड 3 है, बी के कोऑर्डिनेट्स 4 एंड 1 है, 4 एंड 1 ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, और आप इधर से इस ग्राफ से भी निकाल सकती हैं, और सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 6 एंड 4 है, 6 एंड 4 ये आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। तो बी सी की चाहिए इन ये वाली लाइन, तो बी सी के पहले मुझे स्लोप चाहिए होगा एम y2 - y1 / x2 - x1। तो वैल्यूज डाल दीजिए, y2 मेरे पास 4 है, y1 मेरे पास 1 है, तो 4 - 1 डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास 6 है, x1 मेरे पास 4 है, तो 6 - 4 इस तरह से 3/6 - 4 = 2, तो 3/2 ये मेरे पास स्लोप आ गया, ठीक है। अब दोस्त एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, कोई भी पॉइंट आप लगा सकती हैं, बी पॉइंट डाल दीजिए या पॉइंट सी डाल दीजिए, मर्जी आपकी। इक्वेशन मेरे पास आएगी, जब मैं जब इक्वेशन निकालूंगा तो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी y - y1, ये y पार्ट ऑफ द इक्वेशन, y1 जो पॉइंट 1 हम कंसिडर करेंगे उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इज इक्वल टू m x - x1 ये, तो y पार्ट ऑफ द इक्वेशन -y1, मैं पॉइंट ले रहा हूं, चले c ले रहा हूं, तो y -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू m, m की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 3/2, और x - x1 x पार्ट ऑफ द इक्वेशन -x1 मेरे पास 6 आ जाएगा, जो पॉइंट मैंने लिया है वही पॉइंट। अब ये ना हो कि आप एक पॉइंट से वाई की वैल्यू डाल दिया, दूसरे पॉइंट से एक्स की वैल्यू डाल दिया, गलत हो जाएगा। पॉइंट आपने सी लेना है या बी लेना है, लेकिन जब जो भी पॉइंट लेंगे तो उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स इन कोऑर्डिनेट वाई आपने मेंशन करना है। ये ना हो कि आप किसी एक पॉइंट से एक्स कोऑर्डिनेट ले ले, दूसरे से वाई कोऑर्डिनेट ले ले, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब ये समझ लो कि बेसिक क्वेश्चन यही है, ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी तो अब सिर्फ वर्किंग ही करना है, ऑपरेशन करना है। इसको 3 को मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, चले आप एक अगले स्टेप में कर लें इस तरह से, तो मेरे पास ही आ जाएगा 2y - 8 इज इक्वल टू 3x और -18। ये 2y इसको यू कर लें, इज इक्वल टू ये 8 को इधर लेके जाइए, तो 3x -18 और ये माइनस इधर आके +8 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2y = 3x - 10, ये आपका आंसर आ गया। ये x को आप उधर लेके जा सकते हैं, y को इधर लेकर आ सकते हैं, इसको इधर ही छोड़ सकते हैं, ये सारे आपके पास आंसर आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन हमने बनानी थी और इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। अच्छा, ए बी सी फॉर्म अ राइट एंगल आइसोसेल ट्राइंगल ऑफ एरिया 6.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ए बी सी है ये आइसोसेल ट्राइंगल बनाता है, द लेंथ कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, उसका एरिया यहाँ पे गिवन है। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप इसको इसके साथ मिला देंगे, सपोज करें आपने ये इसको इसके साथ यू मिलाया, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और उसका एरिया गिवन है वो है 6.5, एरिया गिवन है 6.5 गिवन है। तो कहते हैं कि आप ए बी की लेंथ निकाल दें, तो आप ये इसका फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, एरिया का जो ट्रायंगल का फार्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा
यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास एरिया दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखें एरिया 6.5 है, हाफ इंटू बी, बी मेरे पास ए क्या ए बी है जो कि ए बी निकालना है मुझे, यहां पे उसने पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी, और बेस मेरे पास जो बी है, बेस जो बन रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाला बेस बन रहा है, ये वाला ये बेस बन रहा है जो ए बी है, और ये हाइट है जिसकी लेंथ हमने निकाली है। ठीक है, आई एम श्योर हमने इसकी लेंथ नहीं निकाली, वो लेंथ निकालनी पड़ेगी। अच्छा तो चले बरा मैं, तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी ए बी, लेकिन जो हाइट है उसकी लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी जो कि वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो लेंथ निकालना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको ये कर लें कि जैसे y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू, मैं इधर जल्दी जल्दी निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बी सी मैं निकाल लेता हूँ जो कि h के बराबर है, तो फिलहाल इसको आप यहीं पे रहने दें फार्मूले को, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे बाद में, बल्कि आप इस वाले को मिटा दें फिलहाल और ऊपर वाले को रहने दें। मैं h पहले निकाल दूँ उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो मेरे पास h आ जाएगा जो कि बी सी है, बी सी इज इक्वल टू h हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई एक्स टू माइनस सिक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर है। अब ये इसके पॉइंट्स मेरे पास देखिए, एक्स टू माइनस सिक्स वन सिक्स माइनस फोर होल स्क्वायर हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सिक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू मेरे पास क्या है फोर माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। ये लेंथ में निकाल लो फोर माइनस वन होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट मेरे पास आ रहा है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास आ जाएगा सिक्स माइनस फोर टू स्क्वायर हो जाएगा प्लस फोर माइनस वन थ्री स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट आ रहा है, तो टू टू ज़ा फोर प्लस नाइन, और ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट थर्टीन आ गया, ये वैल्यू आ गई है। अब मैं इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज डाल लेता हूँ, ये जो वैल्यूज है, तो हाफ एरिया जो मेरे पास आ रहा है एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस जो कि ए बी है इनटू हाइट जो कि बी सी है, बी सी है, तो एरिया 6.5 है, 1/2 ए बी जो कि मालूम करना है, और बी सी की वैल्यू अंडर रूट 13 है। अच्छा, मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 13 ए बी, और ए बी मुझे चाहिए तो ए बी को मैं इधर छोड़ देता हूं। अच्छा, ये 13 हो जाएगा और ये अंडर रूट 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो ए बी दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन अंडर रूट 13, अगर आप इसको यू कर लें 13, ये वैल्यू वैल्यू 1 है, अपॉन अंडर रूट 13 का मतलब होता है 13 की पावर 1/2 की पावर 1/2, तो ये 13 की पावर 1 है और माइनस ये 1/2 ऊपर जाके माइनस 1/2 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 13 इज द आंसर आ जाएगा। यानी चले उसको थोड़ा सा मजीद कर दे उसको इस तरह से, तो मेरे पास ये आ जाएगा 13, 1 - 1/2 इज 1/2, तो अंडर रूट 13 इसका आंसर आ जाएगा। ये ए बी की लेंथ आगे, ए बी की लेंथ आगे जो कि निकालनी थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी था। हानिया, आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? हेलो, उतारने जी जी मुझे अच्छी तरीके से समझ आ गई। ठीक है, चल मैं वैसे ही सेंड कर दूंगा, उतारने की तो मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये वाला। तो ये लेंथ आप निकाल लेंगे, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, इन दोनों के दरमियान जो फार्मूला होगा वो क्यू आर इज इक्वल टू, वही फार्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपके पास एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है। तो इस तरह से ये वैल्यू पुट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, तो इसलिए हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर ये गिवन है, वो ये कह रहे हैं कि द लाइन ए बी एंड सी बी इंटरसेक्टेड बी, ये लाइन सी बी है, ये वाली लाइन सी बी है, ये लाइन ए बी है, और ये सी बी इस पॉइंट बी के ऊपर एक दूसरे को, यहाँ पे इस पॉइंट बी के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी के ऊपर। आगे कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी के मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। अब ये देखिए एक नई चीज आपके पास आ रही है जो मिड पॉइंट का है। तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला जहन में रख लीजिएगा, हमारे पास जो मिड पॉइंट आता है, मिड पॉइंट का जो फार्मूला होगा दैट इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, और ये एक आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये वैल्यू आप डाल देंगे एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, अच्छा अब आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आप कह रही है कि मेंशन नहीं है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मेंशन है, ग्राफ से आप निकाल सकते हैं। जैसे x के जो a के कोऑर्डिनेट्स है जहन में रख लीजिएगा, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो x 7 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये x a के कोऑर्डिनेट्स हो गए। b को अगर आप मेंशन कर ले, देखिए ये 3 4 5 6, ठीक है। तो अब b के देखिए, ये b का x की वैल्यू 5 है, ये देखिए नीचे आ जाइए, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये इसके b के कोऑर्डिनेट्स हो गए। c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। देखिए x की वैल्यू नीचे आ जाइए तो वैल्यू x की वैल्यू 0 आ रही है और y जाहिर है 4 है, तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट का फार्मूला निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x1, मेरे पास क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का, ऑफ ए बी, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू इन सेवन प्लस फाइव, सेवन प्लस फाइव अपॉन टू, कॉमा वाई वन, तो जीरो प्लस थ्री, कॉमा जीरो प्लस थ्री अपॉन टू, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे मिड पॉइंट को, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, मिड पॉइंट इज इक्वल टू, तो सेवन प्लस फाइव 12 अपॉन टू कॉमा 3 अपॉन टू, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 2 6 12, यानी अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 2 1 2 2 6 12, तो 6 आ रहे हैं, और दूसरे ज्वेल हो तो ऑलरेडी मेरे पास 3 अपॉन 2 है, तो 3 अपॉन 2 ही रहेगा 3 अपॉन 2, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये फार्मूला जहन नशीन करना है x1 मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2। अब आप ये देखें, ये हमारे पास इसके लिए ये x1 आ रहे हैं और ये y1 आ रहा है, ये x2 आ रहा है और ये y2 आ रहा है। अच्छा ये जरूरी नहीं है, आप इसको x1 और y1 का नाम दे सकती हैं, इसको x2 और y2 का नाम दे सकती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मर्जी है आपकी, आपकी चॉइस है, आप इसको x1 y1 दे दे, इसको x2 y2, या इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ये दे सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन सी बी, भाई इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो मेरे ख्याल है मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए कि आपको चाहिए एक स्लोप, एक आपको चाहिए क्या चीज़, स्लोप चाहिए, एम चाहिए,
एम के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वाई टू माइनस वाई वन, ये फार्मूला आप यूज करेंगे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन स्लोप, और इन दोनों में से कोई एक पॉइंट आपको चाहिए होगा तो कोई पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, मर्जी है क्या, ये पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट इन दोनों में से कोई एक ले लें, और जिस तरह से हम इक्वेशन निकालते रहें उस इक्वेशन के अंदर फिर से ऊपर से देख लीजिएगा आपके पास, ये देखें ये हमने यूज़ किए हुए इक्वेशन के लिए ये फार्मूला, ये देखिए ये वाला है, क्या आपने पहले स्लोप निकाला, एग्जैक्टली स्लोप निकाला, एम निकाला, फिर आपने इस इक्वेशन के अंदर एक पॉइंट लेके और एक स्लोप लेके ये डाल दिया और इस तरह से आपके पास, तो जो क्वेश्चन नंबर टू हमने किया हुआ है आप एग्जैक्टली उसको देख लीजिएगा और इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा, तो पार्ट बी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।